स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले वीडियोस में आपने इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा और उससे पहले वीडियोस में आपने मीन डेविएशन भी कैलकुलेशन पढ़ा है। डिस्क्रीट सीरीज कैलकुलेशन करने के यहाँ पर दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड को बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड में हम एक्चुअल में मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। एज्यूम्ड मीन में एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल मीन मेथड को डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते भी है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे दैट इज सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, ये फार्मूला होता है। जबकि एज्यूम्ड मीन में जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस ब्रैकेट समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे फार्मूले को अप्लाई करेंगे पूरी वीडियो में, ठीक है ना, तो लास्ट तक देखिएगा। एग्जांपल का सॉल्व करते हैं। मैं हूं नकुल सर और आप देखिए द इकोनॉमिक्स गुरु। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन है फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स एक्चुअल मीन मेथड का यूज़ करती है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लगातार देखते रहिएगा, कोई एक पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब साइज और फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल फॉर्म, क्योंकि हमें एज एक्चुअल मीन निकालना है सबसे पहले, तो एक्स और एफ दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर एफ का टोटल कीजिए 1 2 3 5 3 2 1, द सम टोटल इज 17 टोटल आ गया। अब क्या करना है, क्योंकि मीन निकालना है, तो जब मीन होता है डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स मतलब एक्स और एफ का सब मल्टीप्लाई 4 1 4 6 2 12 8 3 24 10 5 50 12 3 36 14 2 28 और 6 1 16 1 16। एफ एक्स का टोटल करना है तो एफ एक्स का टोटल कीजिए, तो एफ एक्स का टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 170। आप 170 का यूज़ करेंगे इस फार्मूले में मीन कैलकुलेट करिए, दैट इज मीन इक्वल टू 170 अपॉन 17, दैट इज मीन इक्वल टू कितना आ गया 10। अब इस 10 का यूज़ करेंगे हम क्या, डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। दैट मीन डेविएशन मीन्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 10, दैट मीन्स एक्चुअल मीन 10 आ गया एक्चुअल मीन। अब 10 से x को लेस कीजिए, तो अगर 10 से आपने लेस किया x को दैट इज 4, तो 10 4 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 6, 6 से माइनस करेंगे दैट इज माइनस 4, 8 में से 10 गया माइनस 2, 10 में से 10 गया 0, तो यहाँ से अपोजिट 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 4 एंड 6 dx आ गया, ठीक है ना। dx जब आ गया आप नेक्स्ट निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हमें, फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए एफ डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर, तो dx का स्क्वायर निकालेंगे दैट इज डी एक्स स्क्वायर, तो 6 6 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 0 4 16 एंड 36, ठीक है ना। अब हमें dx मिल गया, लास्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर मीन्स ये हो गया एफ और ये हो गया डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए 36 और 1 16 टू ज़ा 32 4 3 ज़ा 12 5 0 का 0 3 4 ज़ा 12 16 टू ज़ा 32 एंड 36 बन जा 36, ये क्या हो गया। अब इसका सम कर टोटल कीजिए, एफ डी एक्स स्क्वायर का सम टोटल करेंगे, इसका सम टोटल आ जाएगा आपका 160, ठीक है ना। अब इस 160 का यूज़ करेंगे हम फॉलो में, फार्मूला क्या है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, दैट मीन्स 160 अपॉन 17 का अंडर रूट,
और 17 से 160 को डिवाइड कीजिए। अगर 17 से 160 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 9.41। अब 9.41 का क्या निकालिए, अंडर रूट निकालिए। 9.41 का अंडर रूट कैसे निकालिए, 9.41 तो ये हो गया 3 से कटेगा, 3 3 9 जितने से डिवाइड किया। तो अब हम 3 और 3 को ऐड करते हैं, आएगा 6। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट बीच में पॉइंट उठा के यहाँ लगा दिया, 40 पर नीचे उतारना है। अब 41 आ गया। अब 6 के आगे अगर ए भी बढ़ाते हैं तो 41 से ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना है, हमें 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा सकते हैं। 1 0 यहाँ बढ़ाया तो यहाँ पर भी बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा, अब लमसम ये जाएगी लगभग लगभग ये 6 टाइम जाएगा। 6 6 36, 6 6 36। इसको अगर रिमाइंडर निकालते कितना बचेगा, 4। 9 में से 3 गया 6, 10 में से 6 गया 4। तो इसके 6 6 के ये हाफ से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो 1 प्लस कर देते हैं। तो ऐसे में 9.41 का अंडर रूट कितना आ गया, 3.07। दिस इज़ आवर आंसर बाय एक्चुअल मीन। ठीक है, ये एक्चुअल मीन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि किसी भी एक मेथड से सॉल्व कीजिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा उसका लेंथी लगता है, चलिए एग्जांपल का बताएंगे किस तरह से हम एज्यूम मीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड जिसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब फार्मूला यूज़ करते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस ब्रैकेट समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल पावर। ठीक है ना, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है साइज एंड फ्रीक्वेंसी 10 20 30 40। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। यहाँ पर हमें एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो डेटा दे रखे हमने इस टेबल में लिख लिया। ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन करना है तो एक्स में से किसी को एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम बेसिकली हम बीच का आइटम करते हैं, दैट इज ए। एफ़ का टोटल करेंगे तो एफ का टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर, 101। अब एक्स से निकालना है डेविएशन, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए, दैट इज़ 40। 40 में से 10 को माइनस कीजिए कितना बचेगा, माइनस का 30। 20 को माइनस कीजिए तो दैट इज़ माइनस का 20, माइनस का 10 0, ये हो गया 10 20 एंड 30। डी एक्स आ गया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या चाहिए, डी एक्स स्क्वायर चाहिए और एफ डी एक्स चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, d का स्क्वायर कर देंगे, तो 30 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 900। 20 का स्क्वायर कितना जाएगा, 400। 10 का 100 0, 100 400 एंड 900। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम पहले चाहिए एफ डी एक्स, तो f और d की मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की। 6 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाएगा माइनस का 180। 8 2 16, 16 1 16, 0 33 1 33। ठीक है, और ये हो गया 11 2 22 और 12 3 36। अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस माइनस का आपस में ऐड कीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना, 500 माइनस का, और ये आ रहा है आपका 910। 910 में से 500 लेस कीजिए तो आपको बचेगा 410। ये आ गया समेसन एफ डी एक्स। अब हमें समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो डी स्क्वायर ये आ गया और एफ ये मल्टीप्लाई कर दिए, 900 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज़ 5400, 400 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज़ 3200, 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 1600 0, 33 एंड 100 की कितना करेंगे, 3300, 11 4 44 100 और 12 9 108। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसका सम टोटल करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, सबको प्लस कर देंगे तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 28700। ये आ गया। अब जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इन सभी वैल्यू को फार्मूले में रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला क्या है दोबारा लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डी स्क्वायर कितना आया, 28700 और समेशन एफ इज 100,
वन माइनस ब्रैकेट एफ डी आया आपका 410 और समेशन एफ है 101 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट 101 से 28,700 को डिवाइड कीजिए, तो अगर आप डिवाइड करते हैं नॉर्मली तो इसको आपको मिलेगा 284.15। 101 से 410 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4.05 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे 284.5 माइनस 4.05 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको आएगा 16.40। 284 माइनस 15 में से 16.40 को माइनस कीजिए, लेस कीजिए, तो आपको मिलेगा 267.75। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, अंडर रूट अगर इसको निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा वो देखिए, तो अंडर रूट निकालेंगे इसका 267.75। इसका ग्रुपिंग कर लेंगे, टू अलग 6 7 और ये 7 5, तो टू से डिवाइड करेंगे, वन से वन बन जा वन, तो वन और वन टू देखते हैं, वन 6 7। ठीक है, आप कितने टाइम डिवाइड हो जाए, अलग अलग हुआ 6 टाइम, 6 6 36, 6 2 12, 12 3 15, जितने डिवाइड कितनी बार ऐड करें, 6 6 12 और 3, इधर कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1, इधर हो गया 1, पॉइंट उठाया यहाँ लगा दिया, 7 5 नीचे उतार दिया, कितनी टाइम डिवाइड जाएगा, लगभग 3 टाइम, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, लेस कीजिए, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 6 गया 0 और इधर बचेगा 2, 3 टाइम गया 3 ऐड कर दिया, 3 3 6 2 3, 2 0 6, पॉइंट लगा हुआ तो ऑलरेडी 2 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने टाइम जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा, 6 6 36, 6 6 36 और 3 9, 6 12, 12 3 15 और 6 3 18, 1 19। ठीक है, अब इतना आगे दो डिजिटल निकालना हमारे पास सही है, 16.36 आंसर, दैट इज हेयर 16.36 इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और लगभग इतने क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।